हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली, वैभवशाली आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ऐसा वीडियो लेके आई हूँ। एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है, आर्ट स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल है। स्टील लाइफ जो सब्जेक्ट रहता है हमारा, उसमें नेचर ड्राॅइंग जो आता है टोमेटो, वो मैं आपको यहाँ पर ड्राॅइंग करके दिखा रही हूँ। और ये मैंने वीडियो पोस्टर कलर में बनाया है, कलरिंग पोस्टर कलर में किए। तो हाँ, सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो मैं डेली वीडियोस डालती हूँ उसके अपडेट्स आपको मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन आपके बहुत ही काम का है, इसलिए बड़ा बनाया कि ताकि आपको जो जैसे मैंने शेडिंग किया इसमें, जो जो कलर यूज़ किए टोमेटो में, वो आपको सब समझ में आए। इसके लिए मैंने ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि स्टूडेंट को ये सब समझ में आए, आसानी से वो भी टोमेटो ड्राइंग बना सके और कलरिंग कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते। अभी हमारा स्केच कंप्लीट हो गया है, इजीली ड्राइंग आपने देखा ही है। अभी हम कलरिंग के लिए कौन से कलर, येलो और रेड कलर यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, पोस्टर रेड येलो के लिए। ये दो कलर का हमें पहले काम करना है। सबसे पहले मैंने येलो और ये रेड, पोस्टर रेड मिक्स करके इस तरह से शेड बनाया, आप देख सकते हैं। पूरा रेड भी नहीं और पूरा ऑरेंज भी नहीं है, इस तरह से शेड बना के मैंने अभी जहाँ पे लाइट का पोर्शन आएगा वहाँ पे मैंने कलर किया है। अभी ओरिजिनल जो पोस्टर रेड कलर है उसका यूज़ मैंने नीचे की तरफ किया, क्योंकि वहाँ पर शैडो आएगी। हमारे जो तीन टोन रहते हैं, डार्क, मिडल, लाइट, तो हमारा अभी ये जो है रेड कलर का कलरिंग, वो हमारा डार्क पोर्शन आएगा। और जैसे जैसे मैं दिखा रही हूँ उस तरह से अगर आप करेंगे पैर, तो एकदम ही आपको भी आसान हो जाएगा ड्राइंग करने के लिए और कलरिंग करने के लिए। अभी मैंने यहाँ पे रेड कलर ही लिया है और थोड़ा इसमें जो हमने शेड्स बनाया था येल्लो और रेड का, वो थोड़ा मिक्सअप किया, क्योंकि लाइन मतलब दो पार्ट दिखने नहीं चाहिए कलरिंग में। सबसे पहले तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि दो पार्ट बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए, वो अच्छे से मिक्सअप होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो मैंने रेड कलर का यूज़ किया है, पोस्टर रेड ओरिजिनल रेड कलर का, वो जहाँ पे मुझे डार्क दिखता है वहाँ पर मैंने वो दे दिया है। जहाँ जहाँ पर दिखता है वहाँ पर पैचेस आपको लगाना है ब्रश से, मुझे जहाँ जहाँ डार्क देना है वहाँ पर मैं ये पैचेस पोस्टर रेड कलर के ब्रश के यूज से दे रही हूँ, और इसे मिक्स हमें बाद में करना है। इस तरह से मैंने रेड कलर भी थोड़ा कवर किया है। ये क्या है, हमारी फर्स्ट स्टेप है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें ये डार्क मिडल लाइट कलर करना है अच्छे से। नीचे का पोर्शन थोड़ा डार्क ही आएगा, वो जो लाइन है हमारे नीचे की, नीचे की साइड डार्क पोर्शन है, ऊपर के साइड लाइट पोर्शन है। हाईलाइट हमें लास्ट में देना है। ये तीनों शेड हम जब बनाते हैं तभी ड्राइंग में रियलिटी आती है। अभी देखो ये येलो कलर है, येलो कलर का ब्रश मैंने यूज़ करके थोड़ा उसे और लाइट बनाया है, ताकि वो अच्छे से मिडिल टोन दिख सके। और बीच में भी जो आता है वो भी येलो कलर का ही दिया है, और बाजू में जो रिफ्लेक्शन की लाइन रहती है हमारे आउटलाइन, क्योंकि ऊपर की तरफ बहुत लाइट आ रहा है तो लाइन भी ऊपर की हो थोड़ी लाइट ही दिखेगी। टोमेटो की जो हाईलाइट की लाइन रहती है वो भी लाइट ही दिखेगी। इसके लिए मैंने अभी हाँ हाईलाइट के लिए मैंने वाइट कलर का यूज़ किया है। जहाँ पर मुझे हाईलाइट देना है वहाँ पर मैंने वाइट कलर का पैच लगाया है, और अभी इसे मैं थोड़ा ब्रश पानी में धोने के बाद उसे मिक्स कर रही हूँ। हल्के हाथ से उसे मिक्स करना है ताकि वो नीचे का कलर उसमें मिक्स ना हो सके ज़्यादा, क्योंकि हमें वहाँ पे हाइट लाइट दिखाना है। लेकिन पहले तो हमें वो वाइट कलर देके मिक्स करके वो पूरा उस वहाँ पे हमें शेड तैयार करना है जहाँ पे लाइट टोन आता है हमारा। अभी ये हाईलाइट का काम करेगा वाइट कलर, अभी बीच में भी वहाँ पर थोड़ा लाइट रहता है, इसके लिए मैंने व्हाइट थोड़ा सा येलो व्हाइट वहाँ पे दिया है। अभी
रेड कलर से मैंने वहाँ पे आउटलाइन थोड़ा किया है। भी जहाँ पे मुझे थोड़ा डार्क लगता है वहाँ पे मैं अभी थोड़ा रेड का साइड में देखे वहाँ पे मिक्स किया है। अभी दो बाजू में हमें वाइट लाइन दिखाया हमने, बीच में लाइट ग्रीन कलर और डार्क ग्रीन कलर दोनों का यूज़ करके मैंने वो बीच में का पार्ट बनाया है और रेड कलर से आउटलाइन ली है। अभी नीचे डार्क पोर्शन के लिए मैंने पर्शियन ब्लू कलर की हल्की हाथ से लाइन ली है। कलर एकदम कम लिया है ब्रश को, एकदम हल्के हाथ से हमें लाइन लेना है ताकि वो ज़्यादा ब्लैक ना दिखे। और हाँ, एक सब बहुत तो ही यूज़फुल आपके लिए टिप्स है कि कभी भी ब्लैक कलर का यूज़ मत कीजिए। ब्लैक की जगह हमें पर्शियन ब्लू का यूज़ करना है। यहाँ पे पर्शियन ब्लू मिक्स करके मैंने नीचे का जो है पोर्शन टोमेटो का वो मिक्स करके अच्छे से बनाया। अभी अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है तो हमें वहाँ पे रेड कलर मिक्स करके वो अच्छे से पे सेट तैयार करना है। रेड कलर लेके देख सकते हो आप मैं कैसे कर रही हूँ। भी जहाँ पे मुझे थोड़ा डार्क दिखाना है वहाँ पे मैंने पर्शियन ब्लू और रेड का जो थोड़ा सेट बनाया था वो मैं बीच बीच में जहाँ पे मुझे डार्क दिखाना है, क्योंकि इस बाजू में पूरे शैडो आती है टोमेटो के ऊपर, तो हमें वो कलर भी दिखाना चाहिए ताकि वो रियलिटी उस ड्राइंग में दिख सके। और जहाँ पे दिखता है खाली मैंने वहाँ पे पैच लगाया है, वो बाद में मैं ब्रश और पानी की मदद से मिक्स करूँगी। हल्के हाथ से जो लाइन दिखती है वो खाली वो लाइन मिक्स करूँगी। इस तरह से हमारा ये डार्क पोर्शन भी अभी तैयार हो गया है। अभी थोड़ा सा ही ड्राइंग बाकी है हमारा। नीचे का जो पोर्शन है वो हमें अच्छे से मिक्सअप करना है। जहाँ जगह पे मुझे थोड़ा कम ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे मैं अभी ये रेड और येलो कलर के मदद से वो कवर करूँगी। ध्यान में रखना है हमने ये ड्राइंग के लिए खाली दो कलर ही यूज़ किए और वाइट कलर हमें हाईलाइट के लिए यूज़ किया है। और नीचे का जो डार्क पोर्शन है उसके लिए पर्शियन ब्लू का यूज़ किया है। इस तरह से हमारा टोमेटो का जो ड्राइंग होता है अभी कंप्लीट हो रहा है। अभी पर्शियन ब्लू से हमें शैडो बनाना है। पहले भी मैंने आपको बताया कि शैडो एकदम ज़्यादा डार्क दिखने जाए, पूरा ध्यान हमारा ड्राइंग के ऊपर आना चाहिए। जो भी देखता है उसका पूरा ध्यान हमारा ड्राइंग पे जाना चाहिए, शैडो में बाद में। इसके लिए शैडो एकदम हल्के हाथ से निकालना है। खाली मैंने यहाँ पे नीचे खाली पर्शियन ब्लू की लाइन लगाई थी और पानी के मदद से मैंने उसको स्प्रेड किया है शैडो को। पानी का ब्रश, पानी की यूज़ से पूरा कलर वहाँ पे दिया नहीं है। इस तरह से मैंने उसको पानी के मदद से पूरा जो साइड है उसका शैडो का पोर्शन वो कवर किया है। इस तरह से हमारा भी ड्राइंग कंप्लीट हो गया। और हाँ, अगर आपको सच में हमारा ड्राइंग अच्छा लगा है, मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो के लाइक एक दे देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुँचे। और प्रेस द बेल आइकन जो मेरे डेली वीडियोस है आप तक पहुँचे। अगर आपको ऐसे ही ड्राइंग चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट एलिमेंट्री इंटरमीडिएट की प्लेलिस्ट है वो सर्च कीजिए और उसमें आपके बहुत से काम के ड्राइंग्स है वो आपको मिल जाएंगे। और हाँ, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपके फ्रेंड सर्कल में भी मेरा वीडियो शेयर कीजिए ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिले। थैंक यू, बाय बाय।